हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कि किस तरह से ह्यूमन जो है फूड को लेते हैं और फिर कैसे फूड का ब्रेकिंग होता है, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, फिर कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविली होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, वो ब्लड में मिक्स करते हैं और ब्लड फिर हार्ट के द्वारा पंप होकर पूरे बॉडी में पहुँच जाता है और सभी ऑर्गन सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट मिल जाता है ना। और बचा कुचा जो भी वेस्ट मटेरियल या बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, और बाकी बची हुई सेमी सॉलिड जो चीज़ें होती हैं वो एनस के थ्रू वाटर मतलब बाहर रिमूव कर देता है ना। तो ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद हम लोगों ने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा था कि अपेंडिक्स एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी ऐसा ऑर्गन जो फंक्शनलेस है, अभी फंक्शन में कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई उसका फंक्शन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हो सकता है बहुत सालों पहले ये फंक्शन वाला रहा हो, कोई काम करता रहा हो, फिलहाल इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल मैं एक बता रहा था, ईयर का पिन्ना, जो बाहर ईयर के जो कवरिंग होता है मसल का और कार्टिलेज का, वो भी एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो भी फंक्शनलेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को हम लोग कई सारे स्टेप में समझ सकते हैं, है ना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैन बी स्टडी एज फॉलोइंग स्टेप्स। इंसानों में जो न्यूट्रिशन पूरा हुआ है माउथ से लेकर एनस के बीच में, इसको हम लोग कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है खाने को निकलना। तो खाना हमने माउथ से लिया, उसको अलग अलग तरह के जो टीथ हमारे अंदर हैं चार टाइप के, उससे क्रश किया, ठीक है, फिर जीभ की सहायता से खाने को मिक्स किया और जीभ में लार निकला, सलाइवा निकला, सलाइवा में अल्फा माइलेज नाम का एंजाइम था जिसने अगर हमारे खाने में स्टार्च है तो उसको 90% या लगभग 100% के आसपास डाइजेस्ट कर दिया। बाकी बचा हुआ फूड जो है नीचे आया फूड पाइप से, ठीक है, और फूड पाइप में किस तरह का मूवमेंट हो रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा हो रहा था, इस तरह का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह का मूवमेंट हो रहा था। खाना मसल के मूवमेंट की वजह से मसल सिकुड़ रहा था, स्ट्रिंग कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, और उसकी सहायता से खाना हमारा आगे बढ़ रहा था फूड पाइप में और फिर आ गया हमारे स्टमक में। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप था खाने को मुंह में डालना या निगलना, जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। ठीक, और खाना फिर चबाने के बाद, क्रश करने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की सहायता से स्टमक तक पहुंचा। स्टमक में क्या होता है हम सभी जानते हैं, स्टमक में होता है डाइजेशन, ठीक है, यानी फूड के पार्टिकल का ब्रेक होना। तो पहला स्टेप था इंजेशन, खाने को मुंह में निगलना। सेकेंड स्टेप था डाइजेशन, जो यहाँ डाइजेशन हमारा जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अल्फा माइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को माउथ में ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है फूड के वो यहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया न्यूट्रिशन ह्यूमन में, डाइजेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जो होता है माइक्रोविली के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है एब्जॉर्प्शन। पहले खाने को निकले, खाना को मुंह में डालें, उसके बाद डाइजेशन उसका शुरू हुआ, अलग अलग जगहों पे, कुछ माउथ में हुआ, कुछ बाकी स्टमक में हुआ, कुछ यहाँ पर हुआ, है ना, कुछ यहाँ पर हुआ, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविली। फोर्थ स्टेप क्या है डाइजेशन का, एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है,
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो ब्लड के द्वारा मिक्स होकर पूरे बॉडी में फैल गया और वो हमको एनर्जी दे रहा है, बॉडी के सेल्स को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो जब न्यूट्रिएंट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड और फिर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि कोई बोलता है आपको कि तुम खाना खा रहे हो, तुमको खाना लग नहीं रहा है, यानी कि तुम खाना तो खा रहे हो लेकिन वो एसिमिलेट नहीं हो रहा है, वो खाने का मतलब है। और कुछ लोग बोलते हैं कि किसी को कि अरे हाँ ये खाना खाता है, इसको लगता है, इसका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। तो एसिमिलेशन का मतलब वही है कि खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी का ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, दैट इज नॉन एज एसिमिलेशन, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप जो है वो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी बॉडी से जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, यूजलेस हैं, उनको एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर देना, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। तो ये पांच बेसिक स्टेप्स हैं जिससे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इन शॉर्ट, है ना। जो पूरा प्रोसेस हुआ था फ्रॉम माउथ टू एनस, उसको पांच स्टेप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला खाने को निगलना, इंजेशन, फिर डाइजेशन जो माउथ से लेकर कहाँ तक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविली, फिर एसिमिलेशन यानी माइक्रोविली से जैसे ही एब्जॉर्ब होता है ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड से सारे बॉडी में पहुँच जाता है हमारा न्यूट्रिएंट, दैट इज नॉन एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप में बचा कुचा जो भी फूड मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना या बाहर फेंक देना, ठीक। तो ये पांच स्टेप का प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया अभी तक, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर लेयर, ठीक है, एक मसल का लेयर होता है जो हमारे चेस्ट को हमारे स्टमक से सेपरेट करता है। और इसकी हेल्प से क्या होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लंग्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो लंग्स जो है फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। जब हम लोग सांस भरते हैं तो फूल जाता है हमारा लंग्स, पूरा एक्सपैंड हो जाता है, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वो जो सिकुड़ता फैलता है उसको हेल्प करता है ये हमारा मस्कुलर लेयर डायफ्राम। डायफ्राम जो हमारे चेस्ट के थोड़ा सा नीचे होता है, चेस्ट रीजन में ही होता है, नीचे होता है, और उसके नीचे से फिर हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और बाकी ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है डायफ्राम, जो एक तरह का मस्कुलर लेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ह्यूमन न्यूट्रिशन में। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन के समय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो एक आपके बुक में टॉपिक दिया है डेंटल कैरीज, उसको समझ लेते हैं। डेंटल कैरीज, ठीक है, दांत में होने वाली समस्याएं, जो आप पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे वही सारी चीज़ें दी गई हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के फूड मटेरियल खाते हैं, पके हुए खाने खाते हैं या कैंडीज, टॉफीज, स्वीट्स चीज़ खाते हैं या सॉल्टी, स्पाइसी, बहुत सारे तरह खाते हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग खाते हैं जो हमारे दांतों में चिपक जाती हैं, है ना, स्टिक कर जाती हैं, और हम लोग अगर उसको खाने के बाद ब्रश ना करें तो लंबे समय तक वो चिपकी रहेंगी। और हम लोग जानते हैं कि एयर में या आसपास बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारे होते हैं, और उनको कुछ भी फूड मटेरियल अगर मिलेगा तो उस पर वो रिएक्ट करके
उसको किसी और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो एसिड क्या करता है, हमारे दांत के जो मिनरल्स है उसको डीमिनरलाइज कर देता है। ठीक है, व्हेन वी ईट फूड एंड इट थ्रू आर टीथ। ठीक है, तो हम लोग खाना खाते हैं और खाना हमारे दांतों में चिपक जाता है, फिर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोज, बैक्टीरिया ग्रोज ओवर इट एंड कन्वर्ट दिस फूड इंटू एसिड। ठीक है, तो हम लोग कुछ खाना पीना खाएं और अच्छे से मुंह नहीं धोए, ब्रश नहीं किए खाना खाने के बाद, तो खाने के कुछ पार्टिकल हमारे दांतों में फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, और फिर उसमें बैक्टीरिया जैसे रिएक्शन करेगा और उसके बाद वो खाना हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो टीथ होता है, हमारा दांत जो होता है वो किससे बना होता है, टीथ मेड अप ऑफ किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट नाम के मिनरल से बना होता है। ठीक, तो हमारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट नाम के मिनरल से बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस नाम के मिनरल से बना होता है, जिसका केमिकल फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, अब ये कैल्शियम फॉस्फेट एक तरह का मिनरल है, तो जब भी कोई एसिड किसी मिनरल से रिएक्ट करता है तो उस मिनरल को ब्रेक कर देता है, उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर देता है, तो एसिड जो बैक्टीरिया बनाएगा वो हमारे दांत, जो दांत बना हुआ है हमारा एनामेल या बाहरी जो लेयर है टीथ का, उसके मिनरल को ब्रेक कर देगा, तो कैल्शियम अलग हो जाएगा, फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। ठीक है, उसमें छेद हो जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, इसलिए डेंटल कैरीज की समस्या होती है। दैट इज वाई हम लोगों को क्या करना चाहिए कि खाने के पहले तो ब्रश करना चाहिए सुबह जैसे हम लोग करते हैं, और जितनी बार भी खाएं तो उसके बाद अच्छे से पानी से मुंह धो लें, उसको गार्गलिंग कर लें, साथ ही साथ एक बार ब्रश जरूर कर लें खाना खा के सोने के पहले रात में, तो उससे क्या होगा कि कोई भी फूड मटेरियल आपके दांतों में चिपका नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली जब कुछ फूड मटेरियल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया उसको फूड, जब कुछ है ही नहीं तो एसिड बना नहीं पाएगा, और एसिड नहीं बनेगा तो हमारे जो दांत के मिनरल्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, यानी डीमिनरलाइज नहीं होंगे, डीमिनरलाइजेशन इसको बोलते हैं, जब हमारा कोई मिनरल ब्रेक हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा अगर हम लोग दांतों का अच्छे से ख्याल रखें और उसको क्लीन रखें। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टर्म है इसी डेंटल कैरी से रिलेटेड, उसको समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, डेंटल प्लेग, वो भी इसी से रिलेटेड है, डेंटल प्लेग। अब डेंटल प्लेग क्या होता है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं तो फूड मटेरियल वगैरह चिपका रहता है, ठीक है, और उस पर बैक्टीरिया रिएक्शन करके उसमें तरह तरह के, जरूरी नहीं कि एसिड ही बनाए और भी कुछ बना सकता है, और फिर वो सड़ने लगेगा चीज़ हमारे दांतों पे लगा रहता है, और वो किसी दूसरे केमिकल फार्मूला में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा दांत रहेगा, हमारा जो टीथ रहेगा उसके ऊपर ये लगा रहेगा ऐसे, फिर स्टार्टिंग में सॉफ्ट रहेगा, ठीक, जो जो भी सड़ा गला डिकम्पोज मटेरियल है, लेकिन जैसे
अगर उसका दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे, ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो बाद में क्या हो जाएगा कि जो हमारा दांत है, दांत के सरफेस पे जो ये लगा रहेगा सॉफ्ट फॉर्म में मटेरियल, ये हार्ड हो जाएगा और हमारे दांत के लेयर को कवर कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक यानी जो डिकम्पोज मटेरियल वगैरह हैं जिस पे रिएक्शन किया बैक्टीरिया ने, वो स्टार्टिंग में सॉफ्ट होते हैं। जब सॉफ्ट होते हैं तभी इनको ब्रश करके या डॉक्टर को दिखाकर उसको क्लीन करवा लेना चाहिए। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो पूरे दांतों को कवर कर लेगा, फिर दांतों को जड़ से वीक कर देगा, इनके जो टीथ के रूट्स होते हैं इसको वीक कर देगा और उसके बाद ये दांत हमारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो डेंटल प्लेग इसी बोलते हैं जो डिकम्पोज मटेरियल हमारे दांतों पे चिपक जाता है, स्टार्टिंग में सॉफ्ट रहता है तभी इसको क्लीन कर लेना चाहिए। अगर ये हार्ड हो गया तो क्लीन नहीं होगा, फिर दांत को ही उखाड़ना पड़ जाएगा। तो डेंटल प्लेग, डेंटल कैरीज, हमारा क्यों ये बीमारी होता है, क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग दांतों की अच्छी से सफाई नहीं करते हैं खाने पीने के बाद। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के दूसरे टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है रेस्पिरेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।